हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। ठीक है, इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है। जनरल रीडिंग होती है, आप सेल्फ कर भी सकती है और नहीं भी। अब किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप सेल्फ कर सकती हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त। प्लीज एंड जिस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, वो इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या उनके माइंड में चल रहा है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी दी हैंगमैन, स्टक है आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में, बुरे तरीके से फंसे हुए फील कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे और यहाँ पर कुछ नेगेटिव हो चुका है। सेवन ऑफ वैंड्स, इस रिलेशनशिप को चाह भी रहे हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक इनकी एनर्जी में आपका 24/7 आना जाना लगा रहता है। इट मीन्स आपके बारे में सोचते रहते हैं, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में सोचते रहते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है उससे पहले पहले कि यहाँ पर ये इस पर्सन के साथ आपका एक साइकिल खत्म हो जाए। इट मीन्स यहाँ पर एक ऐसी फुल स्टॉप लग जाए जो कभी भी एक स्टार्ट ना हो सके। कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, स्टक हैं, वो आपके साथ किसी बैलेंसिंग सिचुएशन पे आना चाहते हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त किसी चीज़ से वो फाइट कर रहे हैं। सेवन ऑफ वैंड्स के साथ किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी आपके रिलेशनशिप को एक 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 पॉइंट देने के लिए, एक 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 जगह पे ले जाने के लिए स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं उससे पहले ये सिचुएशन एंड हो आपकी तरफ से, और आप बिल्कुल इनकी लाइफ से ज़िंदगी भर के लिए कहीं और मूव कर जाएं। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है आपके पार्टनर की इस वक्त, इस चीज़ की एनर्जी है आपके पर्सन को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सिचुएशन स्टक है, कहीं मूव नहीं कर रही, तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है बहुत बुरे तरीके से वो फंसे हुए हैं, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते, और जिस सिचुएशन में है, जिस स्ट्रगल में है, उसको भी फेस करना लाजिम है, उसके बाद जाके आपकी तरफ आ सकते हैं। अट्रैक्शन बला की है, बे इंतहा अट्रैक्शन फील करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। 24/7 आप उनको एक फेयर हो चुका है कि आपको ये सिचुएशन किसी और के साथ स्टार्ट ना हो जाए, आप किसी और के साथ मूव ना कर जाएं। बिल्कुल, किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड, यहाँ पर एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट की बात हो रही है। ठीक है, काउंटर पार्ट है यहाँ पर, टू ऑफ कप्स भी है। दी टावर, आपका रिलेशनशिप टूटा है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये टूटना नहीं चाहिए था। यहाँ पर टावर मूवमेंट है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्टार्ट लाने के लिए, बिगनिंग करने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं आपके पार्टनर, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ दोबारा एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक रिन्यू अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में कोई दो पर्सन हो आप, जिसके बारे में एक बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पर्सन ना हो, कोई स्टेबल पर्सन हो जिसकी जिसकी तरफ आपकी फैमिली चाहती है आप बिगनिंग कर लें, आप स्टार्ट कर लें। आपको भी ऐसा लगता है ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर एक टावर मोमेंट आ चुका है, टावर मोमेंट फॉल हो चुका है, तो आपको अपने इमोशनल लाइफ में किसी ना किसी के साथ तो बिगनिंग करनी है। आप किसी, आप सोचते हैं कोई फिर एक पेंटिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो जिसके साथ आप मैरिज के लिए आगे बढ़ें। देखिए, फोर ऑफ वैंड, आप भी कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट के लिए। कोई रिश्ता आपका टूटा है इस पर्सन से, लेकिन ये आपके ऊपर स्ट्रक है, ये सिचुएशन में बिगनिंग करना चाहता है, आपको ऐसा लग रहा है अगर ये पर्सन नहीं तो किसी और को आपकी लाइफ में होना चाहिए। बिल्कुल, सिक्स ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है कोई ना कोई ऑप्शन रहा हो आपकी ज़िंदगी में, कोई ना कोई अगर पास्ट का रहा हो, कोई फ्यूचर का रहा हो आप जिसके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल देखते हैं, यहाँ पर एक बिगनिंग चाहते हैं, एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते रहते हैं 24/7 आपके साथ। वो जो मैनिफेस्ट करते हैं अपनी फैमिली, मैनिफेस्ट करते हैं इस रिलेशनशिप में, हीलिंग मैनिफेस्ट करते हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर एक अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, अपने स्टेबल अपनी अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं आपके पार्टनर। जो स्ट्रगल चल रही है उनकी, एक एक
अपने पेंटिकल्स को लेकर रह सकती है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए, आपको किसी और को मैनिफेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं आपके साथ आप तक आने के लिए। पेंटिकल वाइज बहुत ज़्यादा आपके पर्सन पावरफुल होना चाहते हैं, टू ऑफ पेंट्स, वो डिसीजन मेकिंग उस वक्त करेंगे जब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ प्रोवाइड कर सकें, आपको कुछ दे सकें। आपके पर्सन आपको कुछ देना तो चाहते हैं, लेकिन वो आपकी हर विश फुलफिल करना चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड, हार्ट ब्रोकन है ये पार्टनर। अगर अब तक आप लोगों के बीच दूरी है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ पर आपकी बात होते हुए भी कोई क्लैरिटी नहीं है, वो आपकी इस फ्रेंडशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, ये जो आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है उसको आगे नहीं ले जा पा रहे, उनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं उनकी लाइफ में। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में वो अपने पेंटिकल एरिया पे वर्क कर रहे हैं, वो आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देखते हैं, तो उनकी लाइफ, उनकी फैमिली में कोई ऐसा इशू है, अगर वो स्टेबल हो जाएंगे तो उनकी फैमिली आराम से उनकी शादी कर देगी आपके साथ। उनको स्टेबिलिटी चाहिए, 10 ऑफ कप्स अपनी लाइफ में लाने के लिए उनको स्टेबल पर्सन बनना है, उनको स्टेबिलिटी लानी है, लेकिन स्लोली बट श्योरली उनका व्हील चेंज हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, कोई ना कोई चेंज है जो इमोशनली आपको सेटिस्फाई करेगा, जो आपके पार्टनर को भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके पर्सन स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई कार्मिक आपका आपका टाइम खत्म हो रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक गुड टाइम, गुड वे में स्टार्ट हो रहा है कम्युनिकेशन, ये पर्सन आपके साथ कोई सडनली आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आएगी। फाइव ऑफ सोर्ड, जब कम्युनिकेशन होगी, जब उसके बाद कोई फाइट भी हो सकती है, उसके बाद आपकी चीज़ें सॉल्व हों इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपकी कन्फ्यूजन भी है इस पर्सन को लेकर, कोई फाइट होगी जिसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन में कोई क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है आपको। बिल्कुल, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन किसी स्ट्रगल में स्ट्रक है, किसी प्रॉब्लम में स्ट्रक है, उससे उसको ख़त्म होने का, उससे बाहर आने का वेट कर रहा है, लेकिन इसने आपको अप्रोच ज़रूर करना है, इसने आप तक पहुंचना ज़रूर है, इसको ऐसा लगता है कि आप आगे ना बढ़ जाएं जब तक ये मूव करे आपकी तरफ आए, अपनी चीज़ों को सॉल्व करके, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल कर कर के आप इसकी लाइफ से निकल ना जाएं, आप एक मिस अपॉर्चुनिटी ना हो जाए यहाँ पर। इस चीज़ के बारे में 24/7 ये सोचता रहता है, उसके लिए वर्क भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, कभी कभी सोचता है आपको कम्युनिकेट करे, आपको बताए, आपसे शादी करना चाहता है, अगर कुछ टाइम आप रुक सकते हैं तो रुक जाए, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे फाइट होगी, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रहेगी, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है ये कन्फ्यूजन डाल देगी इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। अगर आप थोड़े से क्लियर भी हो रहे होंगे, अगर थोड़ी सी गुंजाइश भी रहेगी, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपके तरफ आना तो चाहता है, लेकिन अपनी जो भी प्रॉब्लम है ये चाहता है डिवाइन इसके साथ जस्टिस करे, जो भी प्रॉब्लम है वो डिवाइन की मदद से यहाँ पर हील हो जाए, क्योंकि लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल के साथ एक लेफ्ट इन द कोल्ड, एक बिल्कुल कोल्ड, इसकी ज़िंदगी में एक कोल्ड टाइम चल रहा है आपके साथ, एक इसको ऐसा लग रहा है यार डिटैचमेंट चल रही है इसकी ज़िंदगी में, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसकी लाइफ में कोई थ्रिल नहीं है, कोई कोई भी फेस कोई अपनी ज़िंदगी के एंजॉय नहीं कर पा रहा, अगर उसके पास मनी है तो ये उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहा, जो ये कमा रहा है उससे खुश है, सक्सेस मिल रही है, लेकिन वो एक कम एक 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 जो कंप्लीशन इंसान फील करता है, जो जैसे एक मिसिंग पजल सा है उसकी ज़िंदगी में, आपका होना लाजिम है, तो उसको ऐसा लगता है ये खुशी जब खुशी में चेंज होगी, जब मेरी सक्सेस एक फुल सक्सेसफुल एक लाइफ लाएगी मेरी लाइफ में, जब आप होंगे, जब ये मिसिंग पजल उसको मिलेगा, जब ये उसकी ज़िंदगी में कंप्लीशन लाएगा, तो उस चीज़ का वेट कर रहा है, डिवाइन से जस्टिस चाहता है और ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। लेकिन किसी कन्फ्यूजन से कतरा रहा है, आपसे कम्युनिकेट तो कर ले, आपको बता तो दे, अगर ये बात में अपनी कमिटमेंट आपको जो बात करे वो अगर पूरा ना कर सका, तो कुछ उस चीज़ पे स्ट्रगल चल रही है, अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल करना चाह रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा है, इसको अपने आप को स्टेबल करना है। एक अट्रैक्शन है, आप लोग एक बहुत ज़्यादा एक सेम पावर के पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए एक जैसे अट्रैक्शन रखते हैं, एक जैसे पर्सन है, कोई आपके अंदर एक जैसा अट्रैक्शन है, आप एक जैसी चीज़ें रखते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपके पर्सन आपके अंदर अट्रैक्शन रखते हैं, तो आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं अपने पार्टनर को लेकर, आप दोनों एक लुक वाइज बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल, एक हैंडसम, एक आप लोग की एक पावर कपल है, इस तरीके की आप लोग की एनर्जी बनती है। और इसी के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हैं, आपको मिस करते हैं, अपनी फ्रेंडशिप को मिस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दोस्ती से स्टार्ट हुई, या तो किसी आप लोग कुलीग रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जहाँ पर आप लोग की पहले एक नॉर्मल
बातचीत थी, ये सब कुछ इतनी जल्दी आपकी जिंदगी में नहीं आया इस पर्सन के साथ। ठीक है, मैं रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।